हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम आरजू शर्मा। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि गाइस आपको पता ही है कि आई एम आरजू शर्मा विद यू। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है नंबर पजल पे, और ये पार्ट फर्स्ट और क्लास नंबर टेंथ है। कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जैन को, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें इस पार्ट में ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के लिए। सैनिक स्कूल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस इज़ अबाउट मी। आई एम आरजू शर्मा, फ्री लॉन्सर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, 3 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, हैव टूट एट वरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट, टीचिंग लाफ वर्क लैट, स्टार एंड वेरीफाइड एजुकेटर रिटर्न अकेडमी, और एसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट इसे प्रेजेंट कर रहा है इस क्लास को, जो स्पेशली डिजाइन है सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल, नवोदया स्कूल एंड इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, उनके लिए। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 जैन को, स्पेशली मैंने ये वाली क्लास पार्ट फर्स्ट नंबर पजल उसी के लिए डिज़ाइन की है। नंबर पजल के कुछ क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने नंबर पजल या मिसिंग नंबर की एक क्लास आपके लिए स्पेशली तैयार की है। तो आज की क्लास ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि उन क्वेश्चंस को सोल्व करने से आपको पता चले कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर पजल वैसे सीजीएल में भी आता है, एचएसएससी में भी आता है, उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट इसके साथ साथ अभी जो हमारा पूरा जो एम है या कंसंट्रेटेड जो है वो है सैनिक स्कूल, जिससे स्पेशली जिसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया इस क्लास को, वो कौन सा है? सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल। ओके, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। गाइस देखिए, नंबर पजल, नंबर पजल कुछ बच्चों ने नाम नहीं सुना है तो उनको मैं बता दूं, मिसिंग नंबर, नंबर पजल, जिसमें वो एक डायग्राम देता है और डायग्राम के अंदर कुछ नंबरों को वो मिस कर देता है। अब हमें डायग्राम में जो नंबर्स पहले दिए होते हैं उनकी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करके नया नंबर निकालना होता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, जिससे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली हो सकते हैं एग्जाम में। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये सर्कल वाला है, जैसे दिया 8, 15, 29, 57, 113 एंड ? अब हमें यहाँ पे एक नंबर है वो दे रखा है, मिसिंग नंबर दे रखा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये नंबरों का खेल है एक तरीके से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? नंबर पजल। कुछ इसे मिसिंग नंबर के भी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मिस किए गए नंबर को का पता किया जाता है। ओके, तो देखिए ऑप्शन दिया है 2, 5, 4, 2, 2, 0, 2, 2, 5 एंड नन ऑफ दीज। तो उनमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो एक बार सभी बच्चे ट्राई करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। अगर नहीं होता है सोल्व, फिर मैं सोल्व करवाऊंगी और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। तो 8, 15, 29, 57, 113 एंड क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ट्राई करेंगे जल्दी। ओके, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। जिन बच्चों का सोल्व नहीं हुआ है वो बाद में ट्राई कर लेंगे, और जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया, वो अपना मैच कर लेंगे। तो देखिए, ये सबसे पहला नंबर था नंबर पजल का। तो जिन बच्चों से सोल्व नहीं हो पाया, उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, वो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और देखिए कि आगे आप आगे आने वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने लग जाते हैं, और इस क्लास के बाद भी आप जो क्वेश्चन हैं नंबर पजल से रिलेटेड वो भी इजिली सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें 8 दिया है, 8 से 15। अब हमें इन सर्कल्स में समझना होता है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन एक्चुअल में अप्लाई हो रहा है। 8 से क्या हो रहा है? 15 हो रहा है, मतलब 8 प्लस कितना किया है इसने? 7 किया है, तब हो गया 15। नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा है? 15 से क्या हो रहा है? 39 हो रहा है, 29 हो रहा है। 15 से कितना हो रहा है? 29 हो रहा है, मतलब 15 प्लस कितना कर रहा है? 14 कर रहा है, तो क्या आ गया? 29 आ गया। नेक्स्ट टाइम 29 प्लस क्या कर रहा है? 28 कर रहा है, तो कितना आ गया? 57 आ गया। तो इस तरीके से वो कर रहा है। अब 57 में 56 प्लस किया
113 आ गया। अब ऐसे ही हम किस पे करेंगे, 113 में क्या प्लस कर देंगे, 112 प्लस कर देंगे, 225 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पहले हमें क्या करना था, इनके डिफरेंस को निकालना था। पहले हमने क्या किया, 8, 15 और 8 के डिफरेंस को निकाला, कितना निकल गया, 7। फिर इन दोनों के डिफरेंस को निकाला, 14 निकल गया। फिर इन दोनों के डिफरेंस को निकाला, कितना निकल गया, 28। इन दोनों के डिफरेंस को निकाला, कितना निकल गया डिफरेंस, 56। अब इसी तरीके से हमें पता चला कि पहले डिफरेंस 7 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है डिफरेंस, फिर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, और फिर कितना आ रहा है, 156 आ रहा है, और फिर हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 112। मतलब डिफरेंस हर बार क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। तो यहाँ का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस कितना होगा, 112 होगा। अब 113 में 112 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मे बी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये इन क्वेश्चंस को वैसे हम, अगर मेरी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो मैं इनको फ्लावर बेस वाले क्वेश्चन बोलती हूँ, जहाँ पे बीच में सर्कल दिया है और आगे पीछे क्या दिए, पंखुड़ियाँ सी दी हुई है। इन्हें फ्लावर बेस वाले नंबर या नंबर पजल बोल सकते हैं, जहाँ बीच में भी सर्कल है, साइड में भी सर्कल्स हो सकते हैं, और एक क्या देता है, वो मिसिंग नंबर दे देता है जो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके बीच में जो पंखड़ियों के बीच में जो नंबर देता है, बीच में सर्कल में जो नंबर देता है, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन लग रहा होता है जिससे हमारा बीच वाला नंबर निकलता है। तो इसी तरीके से अब हमें इनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि 7, 5, 2, 3 के बीच में कौन सा रिलेशन लगा के कितना आ गया, 2, 9 आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ 6, 3, 5, 4 के बीच में कौन सा रिलेशन लगा कि कितना आ गया, 39 आ गया। अब यही किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे और हमारा मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर लेंगे जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए बी सी में से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। वेरी गुड, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। अब ये सोच रहे होंगे ये तो हार्ड क्वेश्चन है, ये तो नहीं हो रहे। अरे इतने भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, हार मत मानिए, कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को भी। कम ऑन, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं और कर रहे हैं। ओके, आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। चलो अब हम देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ था, 7, 5, 3, 2 and 29 हमें क्या दिया था, बीच में दे रखा था। इसी तरीके से अब क्या दे रखा है, 6, 3, 4, 5 and 39 हमें क्या दे रखा है, बीच में दे रखा है। अब यहाँ हमें फाइंड आउट करना था। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, जो सामने वाले हैं, जैसे 7 के सामने वाला कौन है, 2 है, 5 के सामने वाला कौन है, 3 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 14 आएगा, और 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 15 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, जो कि बीच में रख दिया है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 24 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 15, तो 15 प्लस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। यहाँ पे 39 है जो कि इसने बीच में रख दिया। अब यही क्या करेंगे, हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 30, और प्लस कितना कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 21। तो 30 प्लस 21 अपना कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना, 51।
ऑप्शन नंबर सी 51 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मे बी आप सभी को क्लियर है कि 51 कैसे आया। बस ये आमने सामने जो दिए हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा है, आमने सामने वाले मल्टीप्लाई, फिर आमने सामने वाले मल्टीप्लाई और दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आ गया, बीच वाला नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भी बच्चे को डाउट हो जिस भी क्वेश्चन में वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताए जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया उसको दोबारा समझाया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। अब यहाँ पे एक बॉक्स पजल दी है, बॉक्स बेस्ड पजल दी है जहाँ पे 2, 1, 2, 21, 22 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क पे बताना है कि क्या आएगा और आगे दे रखा है 1, 2, 5, 20, 23 एंड 43। अब क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। चलो कम ऑन, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। चलो सोल्व करते हैं और क्वेश्चंस का राइट आंसर देखते हैं और आप भी मैच करना कर लेना अपने राइट आंसर को कि आपका सही आंसर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ था, 2, 1, 2, 21, 22 क्वेश्चन मार्क, 1, 2, 5, 20, 23 एंड 43। तो जो अपनी जो बोल सकते हैं पजल होती है कॉलम बेस वाली, कौन सी कॉलम बेस वाली जो पजल होती है उसमें क्या होता है कि या तो वो रो के अकॉर्डिंग चलती है, कैसे, या तो वो रो के अकॉर्डिंग चलती है या वो कॉलम्स के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब या तो उसमें रो वाला फॉर्मूला लग रहा होता है या वो उसमें कॉलम वाला फॉर्मूला लग रहा होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ये कैसे चल रही है, अकॉर्डिंग टू कॉलम चल रही है। अगर फर्स्ट कॉलम को अगर हम यहाँ देखें तो ये दो बीच वाली हैं 21 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, और इसी तरीके से जो फर्स्ट एंड लास्ट है उनको भी प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 22 आ रहा है। अब आगे देखिए सेकंड कॉलम में 22 एंड 2 को प्लस करेंगे 24 आ रहा है, और फर्स्ट सेकंड कॉलम में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को प्लस करेंगे तो भी कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यही लॉजिक लगेगा, तो 2 और 43 को प्लस करेंगे कितना आएगा 45 आएगा, और यहाँ पे हमें 5 दिया गया, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 40 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। तो इस तरीके से 40 ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बीच वालों का प्लस इज इक्वल दोनों फर्स्ट एंड लास्ट वालों का प्लस। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी 40 क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा। मे बी क्लियर है। तो जो कॉलम बेस वाली पजल होती है वो अकॉर्डिंग टू रो भी चल सकती है, अकॉर्डिंग टू कॉलम भी चल सकती है, कुछ भी लॉजिक लग सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे और आप इजिली इन्हें सोल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, 5, 5, 10, 30, 120 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है, 3600, 25200 ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है और जल्दी से कमेंट करके बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो कम ऑन गाइस, ट्राई करेंगे और जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा।
ओके मे बी आपने सोल्व कर लिया होगा. चलो हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा. तो देखिए यहाँ पे जो लॉजिक अप्लाई किया है वो क्या है, यहाँ देखिए 5 से 5 हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 से 30 हो रहा है मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया, और 3 से 112 हो रहा है मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया. अब हम क्या करेंगे, 120 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा 600. तो 600 ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. ओके क्लियर है. पहले 5 को किससे कर रहे हैं, 1 से, फिर 5 को 2 से, 5 को 3 से, 5 को 4 से, सॉरी 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम क्या करेंगे 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होगा. तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 कमेंट किया है उनका सही है, बाकी सभी बच्चे मैच कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे मिस्टेक की है. ओके चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 113, 120, 222, 131, 220, 104, 255 एंड 50 एंड क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे मिसिंग है मतलब यहाँ पे क्या है, मिसिंग नंबर या बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे हमें क्या है बताना है कौन सा नंबर आएगा, ए बी सी एंड डी, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है. तो जल्दी से ट्राई करेंगे और कमेंट करेंगे कौन सा राइट आंसर होगा. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बॉक्स बेस वाली पजल होती है, बॉक्स बेस वाली जो पजल होती है वो अकॉर्डिंग टू कॉलम भी चल सकती है, अकॉर्डिंग टू रो भी चल सकती है. तो कैसे ही चल सकती है, अकॉर्डिंग टू कॉलम एंड अकॉर्डिंग टू रो. ये हमें उसी टाइम देखना होगा, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हमें चेक करना होगा. पहले अकॉर्डिंग टू रो चल के देख लेंगे, अगर रो वाला कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है अकॉर्डिंग टू कॉलम चल के देख लेंगे. अगर कॉलम वाला चल रहा है तो हमें पता चल गया अकॉर्डिंग टू कॉलम जा रहा है, अकॉर्डिंग टू अगर कॉलम नहीं जा रहा तो अकॉर्डिंग टू रो जा रहा होगा. अब वो हमें खुद फाइंड आउट करना होगा कि कैसे वो इन नंबर्स को बना रहा है और मिसिंग नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कम ऑन गाइस जल्दी ट्राई करेंगे. कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो बाकी बच्चे हैं वो भी कमेंट करेंगे. मजा आ रहा है क्लास में, आर यू एंजॉयिंग द क्लास? ओके आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा, बहुत मस्त टॉपिक है, एक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पजल. कुछ बच्चे इससे डरते हैं लेकिन मैं तो हर बार इसे इंजॉय करती हूँ और आप भी मे भी इंजॉय कर रहे होंगे. तो कौन कौन बच्चा इंजॉय कर रहा है कमेंट कर देंगे. ओके गाइस पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, बट डोंट माइंड, उसे छोड़िए. आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और जल्दी कमेंट करिए ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होगा. ओके तो जिन बच्चों ने कमेंट कर दिए हैं वो भी अपना आंसर मैच कर लेंगे कि सही है या नहीं, और जो बच्चे सोल्व कर रहे हैं वो भी थोड़ा जल्दी करिए और कमेंट करिए कौन सा राइट आंसर होगा. ओके चलो हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा. आप अपना मैच कर लेना और जिन बच्चों से सोल्व नहीं हुआ है वो देख लेंगे कि उन्होंने कहाँ मिस्टेक की है. तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि बॉक्स बेस वाली पजल होती है या फिर मिसिंग नंबर होता है वो अकॉर्डिंग टू कॉलम चल सकता है, अकॉर्डिंग टू रो चल सकता है. तो इसमें एक अलग ही टाइप का जो है लॉजिक अप्लाई हुआ है, वो कौन सा है, ये अकॉर्डिंग टू रो चल रहा है. कैसे चल रहा है, अकॉर्डिंग टू रो चल रहा है, बट इसमें अलग क्या है, अलग चीज ये है कि ये इन सब को प्लस कर रहा है और इन सब को प्लस करने से जो इक्वल टू है वो हर एक कॉलम का कॉलम का सेम है. ठीक है, रो का वो क्या है, सेम है. जैसे अगर सेकंड रो के हम सारे नंबर्स को प्लस कर देते हैं तो उनका जो टोटल है वो कितना आएगा, 455 आएगा, जो कि फर्स्ट रो का आया था. इसी तरीके से अगर हम थर्ड को प्लस करेंगे तो भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे 455 आना चाहिए, जो कि फर्स्ट सेकंड का है. इसी तरीके से थर्ड का भी 4455 होगा, लेकिन हमें क्या दिया है, 255 और
50 दिया है। अब इसमें कितना प्लस करें कि ये 455 हो जाए, तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 150 प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, 150। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो सारे फर्स्ट रो को प्लस किया, 455 आ गया, सेकंड रो को प्लस किया, 455 आ गया, इसी तरीके से थर्ड रो को प्लस करेंगे तो अभी कितना आएगा, 455 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 150 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ 8, 12, 30, 35, 560, 27, 3 एंड क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह भी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर आएगा। ए बी सी एंड डी, ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो राइट आंसर होगा और जो कहाँ आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। कम ऑन गाइस, ट्राई करेंगे और जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। ओके चलो ठीक है, फिर देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने कमेंट कर लिया है वो मैच कर लेंगे, और जो बच्चे कर रहे हैं वो देखेंगे कि कहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अब मैं सारे कॉलम बेस वाले, बहुत सारे कॉलम बेस वाले क्वेश्चन लेके आई हूँ, बट इनमें जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो लॉजिक अप्लाई हो रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं जो लॉजिक अप्लाई हो रहा है, वो सभी का अलग अलग है। तो ये लॉजिक आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी लॉजिक लग सकता है, बट इनके बारे में आपको पता कैसे चलेगा, जब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखोगे। अगर इसी वीडियो की अगर आप दोबारा प्रैक्टिस करते हो तो आप देख पाओगे कि आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है और आप इन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर और लेके आप उनकी भी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल ही ईजी हो जाएंगे। ओके तो देखो ये क्या कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू रो चल रहा है। फर्स्ट रो में इसने क्या किया, 8 प्लस 12 किया तो कितना आ गया, 20। 8 प्लस 12 किया तो कितना आ गया, 20। और 20 को इसने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 20 को इसने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहां मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूं, जो आया कितना आया, 10 आया। अब उस 10 को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 535 प्लस 5 करेंगे कितना आ गया, 40। 40 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और 20 को अब हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि लास्ट कॉलम में आया हुआ, लास्ट सॉरी रो के लास्ट जो बॉक्स है उसमें आया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 प्लस 27 कितना आ गया अपना, आ जाएगा 30। 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो इस तरीके से 45 ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, और जिन बच्चों को ये हार्ड लग रहा है, इतना हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी है गाइस, आप ट्राई तो करिए, करके तो देखिए, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो पहले ये क्या कर रहा है, जो पहले आगे वाले नंबर्स हैं 8 एंड 12, उन दोनों को प्लस कर रहा है, फिर 2 से डिवाइड कर रहा है, जो नंबर आ रहा है उसको क्या कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी तरीके से 35 प्लस 5 किया, 40 आ गया, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20। और 20 को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
अब इसी तरीके से इनको प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, वो भी आपको ट्राई करना है और देखना है कौन सा राइट आंसर होगा। कम ऑन जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू रो, अकॉर्डिंग टू कॉलम वाले और बॉक्स वाली नंबर पजल हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला या कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा वो आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट करना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। जल्दी ट्राई करेंगे और कमेंट करेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है चलो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए गाइस ये क्या कर रहा है, ये भी अकॉर्डिंग टू कॉलम चल रहा है। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से कर रहा है और जो आएगा वो कितना आएगा 336, मतलब 336 जो लास्ट जो अपना बॉक्स था उसमें रख दिया। अब 12 मल्टीप्लाई 37 करेंगे और जो आएगा वो कहाँ रख देंगे, लास्ट बॉक्स में रख देंगे। अब इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई 24 करेंगे और जो आएगा उसे कहाँ रख देंगे, लास्ट बॉक्स में रख देंगे। तो 192 ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है क्लियर है। पहले जो दोनों नंबर है उनको अकॉर्डिंग टू कॉलम चल के मल्टीप्लाई कर रहा है और जो आ रहा है उसको लास्ट बॉक्स में रखते हुए चल रहा है। इसी तरीके से अपना जो है यहाँ आ जाएगा वो मिसिंग नंबर अपना निकल जाएगा 192। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जो बच्चे कर रहे हैं जल्दी से करिए और बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। 16, 18, 20, 22, 24, 26 और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो 19, 28, 32, 34 इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे। इतना कुछ भी नहीं है, अगर आप इसमें तुक्का मारे तो साफ साफ दिख रहा है, अगर तुक्का ना मारे लॉजिकली करे तो वो भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने जल्दी से सेकंड कमेंट कर दिया उनका सही है। देखिए यहाँ से हमें देखने से ही पता चल रहा है, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कितना हो रहा है +2, यहाँ पे कितना हो रहा है दोनों में +2, +2 किया 22, +2 किया 24, +2 किया 26 और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सेकेंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना तो कुछ सोचने वाला ही नहीं था इस क्वेश्चन में और जिन बच्चों ने 28 कमेंट किया है वेरी गुड, वो जल्दी ही पहचान गए कि कौन सा राइट आंसर होगा, वेरी गुड। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी। क्वेश्चन नंबर 9th, अब क्वेश्चन नंबर 9th भी बॉक्स वाला क्या है, बॉक्स वाली पजल है। अब यहाँ पे भी आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, 3, 4, 2, 14, 5, 3, 5, 40, 5, 3, 6 एंड क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, ए बी सी एंड डी में से जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा।
ओके वेरी गुड गाइस, ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं फिर कौन सा राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना मैच कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो देख लीजिए। थ्री प्लस क्या कर रहा है, फोर। थ्री प्लस फोर कर रहा है, दोनों को प्लस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रो चल के फर्स्ट रो में इसने दोनों नंबर को प्लस किया। मल्टीप्लाई क्या कर दिया, टू से, और इक्वल किसके हो गया, फोर्टीन के। इसी तरीके से फाइव प्लस क्या कर रहा है, थ्री कर रहा है, और मल्टीप्लाई क्या कर देगा, फाइव से कर देगा, और इक्वल किसके आ जाएगा, फोर्टी के। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेगा तो सेवन प्लस थ्री करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, टेन। और टेन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स से, तो कितना आ जाएगा, सिक्सटी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। तो गाइस आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है वो भी मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊँ। और जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है मतलब 5 जैन को, वो रेडी हो जाए एग्ज़ाम के लिए। अब तक हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं, कुछ क्लासेस किए हैं, 10 क्लासेस, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हो सकता है आपका एग्ज़ाम भी मोस्टली उसी में से आ जाए। ठीक है, तो ये आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं मिसिंग नंबर या ना बोल सकते हैं नंबर पजल के, इसमें से अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें यही लॉजिक लग रहा हो, अब मैंने क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, मैंने लॉजिक को इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि क्वेश्चन वो कोई भी दे सकता है बट लॉजिक जो है वो इन्हीं के अराउंड ही होगा, यही होगी। तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, फिर देखना नंबर पजल आपके लिए कितनी ईजी हो जाती है। और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यू नंबर पजल के क्वेश्चंस भी ले लेना जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू ऑल।